अभी हम जब भगवान राम के बारे में सुनते हैं, वो तो गुणों के सागर है, मतलब इनफाइनाइट क्वालिटीज है उनमें। लेकिन अगर मैं आपसे व्यक्तिगत पूछूं कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके अगर एक गुण, अभी पूरी इतने तो गुण नहीं उतार सकते, अगर एक गुण अगर मुझे अपने जीवन में उतारना है या हमें अपने जीवन में उतारना है हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, तो भगवान राम का ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए? हाँ, प्रभु श्री राम ने जो कि गुणों के खान रहे, वो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, जो व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभावित हुआ प्रभु श्री राम के अथाह गुणों के सागर में से ये एक गुण से, तो कुछ ऐसे प्रभु श्री राम के लीला के प्रसंग जहां पर उनकी सेंसिटिविटी दिखती है। सबसे पहले तो जब वो वनवास उनको प्राप्त हुआ और उसके पश्चात जब उन्होंने प्रवेश ही किया सीता लक्ष्मण इनके साथ वन में, तो वन देवी मूर्तिमान, वन की देवी वो प्रभु श्री राम के समक्ष आती हैं, और वन देवी वो प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? तो प्रभु श्री राम, उन्होंने वन देवी से कहा कि मैं जो इतना रास्ता चलकर आया हूं, मैंने देखा कि मेरे रास्ते में इतने सारे कांटे थे, और मैं जानता हूं कि मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भरत आ रहा है। तो आपने पूछा कि आप क्या सेवा करना चाहती हैं, तो वो सारे कांटे जो मेरे रास्ते में थे, जो मुझे भी चुभे, वो सारे कांटे आप निकाल दीजिए। तो वन देवी वो ये सुनकर, वो बहुत, उनका हृदय द्रवित हो गया कि उन्होंने वो कांटों को सहन किया और उस समय मुझे नहीं बुलाया, तो साक्षात भगवान है और मुझे डांट फटकार भी नहीं लगा रहे, परंतु चिंता किसकी कर रहे हैं कि पीछे जो भरत आएगा तो उसके कांट, उसके पैरों में वो कांटे नहीं चुभने चाहिए। इसलिए तो वन देवी वो पूछती हैं प्रभु श्री राम से कि वो तो मैं निकाल दूंगी, वो सारे कांटे वो मैं निकाल दूंगी, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है कि भरत, वो दशरथ के पुत्र हैं, वो आपके चतुरंगी सेना के सेनापति हैं, वो इतने बड़े सूर्यवंशी हैं, तो क्या वो इतने नाजुक हैं कि ये जो कांटे हैं वो कांटे उनको चुभेंगे तो फिर उनको तकलीफ होगी? प्रभु श्री राम कहते हैं, और ये जब मैंने पढ़ा तो सच में मेरी आंखें भीग गई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, मेरा भरत तो वज्र के समान है, और ऐसा वज्र का शरीर है मेरे भरत का कि साक्षात इंद्र का वज्र भी यदि टकरा जाए तो वो वज्र भी चूर चूर हो जाए, ऐसा वज्र के समान मेरा भरत है। नहीं, वो तुम्हारे कांटों से उसको कुछ नहीं होगा, परंतु चलते हुए यदि एक भी कांटा भरत के पैरों में चुभ गया तो भरत वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा कि मेरे वजह से मेरे भैया श्री राम को इन कांटों के रास्तों पर चलना पड़ा। इसे कहते हैं संवेदनशीलता, कि ऐसी सेंसिटिविटी कहां पर हम भाइयों के बीच में देखते हैं।